नमस्कार, केपी टीवी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आवाज विकास में रहने वाले पति ने अपनी पत्नी को तेजाब डालने की दी है धमकी। पीड़ित महिला कल्याणपुर थाना क्षेत्राधिकारी के यहाँ पहुँची न्याय की गुहार लगाने। जनपद कानपुर से राजेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। सीओ साहब से बात करने के बताने के लिए हम आए हैं। क्या दिक्कत हो गई, किस बात को लेकर आज आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पति बहुत हमको परेशान कर रहे हैं, इसलिए। क्या आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, पुलिस में शिकायत की और चौकी इंचार्ज को भी बताया आवाज विकास 3 नंबर, वो कुछ मेरी सुनते नहीं है। क्या कहती है पुलिस? कहते हैं हाँ हो जाएगा, कुछ सुनते नहीं है मेरी बात। और वो सांगा उनका सपोर्ट कर देते तो वो कुछ सुनते नहीं है। सांगा कौन है? विधायक है। कहाँ के विधायक? बिठूर के। आपने सात तारीख को? हाँ, उस दिन क्या हमने शिकायत की, जब मेरे पति आए थे तो बंद करके उनको कमरे में भाग गए, जेवर एवर सब ले गए, और तो हमें होश, मेरा दम घुट गया, होश नहीं रहा, कमरे में बंद कर गए। मेरी बिटिया ने ससुराल वालों को फ़ोन किया कि मम्मी बेहोश हो गई, पापा बंद करके चले गए। तो मेरी बिटिया ने कह रहे आ रहे, फिर वो लोग आए नहीं, फिर आए तो फिर ये आए मेरे घर वाले तो गाली गलौज करके, जब हमको होश आया तो गाली गलौज करके चले गए। पुलिस 2 घंटे वहीं पर रही थी जब तक हमें होश नहीं आया। 112 नंबर डायल किया था। हाँ, तेजाब डालने की धमकी दे रहे, कह रहे तेजाब डाल देंगे, जहाँ मिलोगी तेजाब डाल देंगे, तुम लोग को जान से मार देंगे। क्या लगता है? हाँ, पुलिस मिली हुई है, इसीलिए पुलिस मेरी कोई बात सुनती नहीं है। उसके आगे हम आपने हत्या कर लेंगे जब मेरी सुनेंगी नहीं। तो हम, मेरा किराए का मकान है, हम कहाँ से खर्चा चलाएं? 2 महीने का किराया, स्कूल का बाकी है, सब फीस देनी है, राशन पानी घर में नहीं, हम कहाँ से चलाएंगे? तो आत्महत्या तो करनी पड़ेगी भैया।